ओ भाई साहब दोस्तों सलार का ये है डे थ्री यानी कि वेरी फर्स्ट संडे आखिर दोस्तों संडे के दिन किस तरीके के नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो कलेक्शन है वो दोस्तों एटलीस्ट हिंदी में दोस्तों कितना होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि हिंदी की दोस्तों जो कमाई है इसकी हो बहुत अच्छी रही है फर्स्ट डे अप्रॉक्सिमेटली पंद्रह करोड़ पचहत्तर लाख रुपए सेकंड डे सोलह करोड़ कुछ लाख रुपए क्या है एक्जैक्टली अमाउंट मैं आपको बताऊंगा लेकिन इस कहने की बात यह कि यार एक बार बीस करोड़ का चेहरा दिख जाए तो मजा आ जाए तो क्या आज संडे के दिन दोस्तों ये ट्वेंटी करोड़ रुपए हिंदी में कर सकता है क्योंकि भाई देखो सुबह से ही अच्छी ऑक्युपेंसी है पहली बार दोस्तों कई जगह हमें पचास परसेंट की ऑक्युपेंसी सलार की देखने को मिली और देखो भाई शोज ऐसा कोई कम नहीं है ठीक शोज है दोस्तों शोज के मामले में रगी और टक्कर दे रही है हिंदी में लेकिन क्या करेगी दोस्तों हिंदी में आज की कमाई देख लेंगे तेलुगु का तमिल मलयालम कन्नडा नेट में क्या आ सकता है अमाउंट और ओवर से इसका दोस्तों क्या सीन है क्योंकि देखो भाई लास्ट एपिसोड में हमने इस मूवी के वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन जो आपको बताए थे हमारे रिपोर्ट्स जो बॉक्स ऑफिस इंडिया के हैं इवन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत से वेबसाइट उनके कलेक्शन और मेकर्स के दोस्तों कलेक्शन में थोड़ा डिफरेंस है थोड़ा क्या ज़्यादा लेकिन यार समझ नहीं आ रहा ओवरसिस में कितने कलेक्शन हुए तो गाइज देखेंगे कि यार ओवरसिस का क्या हाल चाल है आज विदेशों में तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू लेट स्टार्ट दे सलार का मैं दोस्तों आपको कलेक्शन बताऊं कि आज का क्या हो सकता है हिंदी की ऑक्यूपेंसी कैसी आई या फिर तमिल तेलगू की उससे पहले मैं दोस्तों आपको सेकंड डे का ऑफिशियल कुछ बताना चाहता हूं कि ऑफिशियल क्या कलेक्शन आया है तो भाई आप लोग कह सकते हो कि इसने पहले दिन यानी कि सलाद ने अपने वेरी फर्स्ट डे अप्रॉक्सिमेटली दोस्तों जो नेट कलेक्शन है वो बहुत छप्पड़ फाड़ के नब्बे करोड़ सत्तर लाख रुपए की कमाई की थी हिंदी से पंद्रह करोड़ पचहत्तर लाख रुपए सेकंड डे दोस्तों ये कमाई सिर्फ और सिर्फ आप लोग कह सकते हो कि अड़तीस परसेंट गिरती है फाइव फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री फाइव करोड़ ये कलेक्शन सेकंड डे और वो कोई साउथ मूवी है गाइस हिंदी मूवी नहीं है क्योंकि हिंदी मूवी में हम लोग सेकंड डे अगर शनिवार हो तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ज्यादा कलेक्शन होना चाहिए लेकिन गाइज यहाँ पे ये साउथ की मूवी है फिर भी दोस्तों सिर्फ अड़तीस का ड्रॉप अच्छी बात है हमने ट्रिपल आर के जी एफ ईवन दोस्तों बाहुबली के भी सेकंड डे के कलेक्शन गिरते हुए देखें क्योंकि फर्स्ट डे बेनिफिट शोज बहुत होते हैं तो छप्पन करोड़ पैंतीस लाख रुपये बिल्कुल ही गाइस सही नंबर है और यहां पे हिंदी की कमाई सोलह करोड़ पैंतीस लाख रुपए तो गाइस तो टोटल कमाई वन फोर्टी करोड़ तेलुगू से वन करोड़ मलयालम से फाइव करोड़ तमिल से सिक्स करोड़ कनाडा से वन करोड़ हिंदी थर्टी करोड़ बत्तीस करोड़ दस लाख रुपए हिंदी का हो गया है काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी में इसको कितना कमाना होगा जो जो हम इसको हिंदी में सुपर हिट कहेंगे या फिर हिट तो देखो भाई इसको ज्यादा नहीं कमाना सिर्फ अस्सी करोड़ दोस्तों एज अ बॉक्स ऑफिस मूवी रिव्यूज के बजट के अनुसार अगर हम लोग देखें इसका ऑल ओवर बजट 400 करोड़ है इसका मतलब इसको 400 करोड़ से ज़्यादा नेट में करना होगा तो हिट हो जाएगी अगर ये गाइस हिंदी में 80 करोड़ कमाती है इसका हिंदी बजट 80 करोड़ है जो भी एडवर्टाइजमेंट हुआ है जो भी गाइस डबिंग वगैरह हुआ है जितने भी आर्टिस्ट को पैसा दिया गया है सब मिला के अस्सी करोड़ लग गया है दोस्तों सलार को आ, आप आपके यानी कि हिंदी ऑडियंस तक पहुँचाने में तो अस्सी करोड़ से ऊपर कमाने के बाद हिट हो जाएगी और गाइज़ ये हंसते खेलते है अस्सी करोड़ क्या सौ करोड़ भी करने वाली यानी कि हिंदी में इस मूवी को दोस्तों हिट का वर्डिक मिलेगा ही मिलेगा हालांकि देखो वो सुनामी वाली कमाई जैसे कि होम वाले की नेक्स्ट प्रीवियस मूवी जो थी गाइस लाइक केजीएफ इवन कांतारा फैसी गाइस कमाई इसकी नहीं हो रही लेकिन अभी हम लोग दोस्तों उम्मीदें रखेंगे कि क्या पता अब यहाँ जो मंडे है यानी कि कल अच्छा ग्रोथ लगे या फिर गाइस जो वीक डेज है उसमें ज्यादा ड्रॉप देखने को ना मिले बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे इसका ग्रॉस कितना होता है यानी कि 147 करोड़ का ग्रॉस कितना गाइज ये एज अ जो ये सेवेंटी थ्री पॉइंट करोड़ होता है लेकिन गाइड यहाँ पे सुई अटकी हुई है जहां पे सुई अटकी हुई है वो सुई है ओवरसिस का बॉक्स ऑफिस इंडिया सत्तर करोड़ की बात कराए बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार टू करोड़ की कमाई हो रही है दो करोड़ और मेकर्स ने 295 करोड़ का एक तड़कता भड़कता पोस्टर दिया है मतलब मजा आ गया देखने में लेकिन गाइज अब यहां ओवरसिस की जो ये कमाई 70 करोड़ की हुई है इसको अगर हम लोग दोस्तों मेकर्स के कलेक्शन में जोड़ने की कोशिश करें तो गाइज ये लगभग 122 करोड़ होता है अभी क्या पता गाइज बहुत सी टेरिटरीज के रिपोर्ट्स ना आए हों तो यहां पर शायद जो ये वेबसाइट है दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया इनके गाइज शायद वो ट्रैक ना कर पाए हूँ इस वजह से गाइज ऐसा हो सकता है या फिर गाइज़ मेकर्स हो सकता है कि पहले वीकेंड में हमें पूरा डाटा देंगे हिंदी से इतना तमिल तेलुगु मलयालम ओवरसीज से नेट कलेक्शन हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि साउथ में शेयर चलता है शेयर वो पहले ही ले लेते हैं उसके बाद कलेक्शन उसी को जोड़ जोड़ के देते हैं आ, पता नहीं गाइज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन मैंने के जी एफ और ट्रिपल आर के कलेक्शन साथ साथ दोस्तों ओवरसीज़ के भी बढ़ते हुए देखे थे कोई बात नहीं यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग अपनी देखें तो लगभग 244 करोड़ वर्ल्ड वाइड हाँ मेकर्स ने 295 करोड़ की कमाई का रिपोर्ट दिया है तो गाय देखो प्रोड्यूसरों के पास पैसों के कमाई के आंकड़े आते हैं तो इसको भी गाइज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हो सकता है कि कल अपडेट होके दोस्तों हमें ओवरसीज़ के नंबर एक करोड़ आता हुआ दिखाई दे लेकिन अगर ऐसा होता है ना गाइज़ तो आप लोग कह सकते हो कि ये कमाई छप्पड़ फाड़ के कमाई है तबाही कमाई है तो इस तरीके का गाइस कुछ सिस्टम है और इस मूवी ने 117 करोड़ रुपए कल कमाया था एज अ मेकर्स रिपोर्ट अभी बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आ, ये जो मूवी है इसने कल ओवरसिस से कितना किया जी गाइस और आज कितना कर सकती है और आज का इंडिया कलेक्शन कितना होगा तो गाइज देखो फर्स्ट डे दे, लग बॉक्स ऑफिस इंडिया ने लगभग पचास करोड़ की बात की और सेकंड डे बीस करोड़ की बात की सत्तर करोड़ और मेकर्स ने दोस्तों फर्स्ट डे अप्रोक्सीमेटली आप लोग कह सकते हो कि शायद साठ करोड़ की बात की थी और सेकंड डे भी मेकर्स के हिसाब से साठ करोड़ ही इसने कमाया तभी तो गाइज एक सौ बीस बाईस करोड़ हुआ तो गाइज़ यहां पे कुछ इस तरीके का हिसाब है दो सिस्टम में हमें चलना होगा भाई बाकी गाइज़ बात करते हैं कि आज का क्या सीन है आज का क्या सिनारियो है आज ये मूवी क्या कमा सकती है तो देखो भाई आज हिंदी में सरप्राइज है भाई आप लोगों के लिए हिंदी में सरप्राइज है सबसे पहले गाइज बात करते हैं कि आ, ये जो मूवी है तेलुगु में कैसी ऑक्युपेंसी लेके रखी है मॉर्निंग सिक्सटी आफ्टरनून एटी इवनिंग सेवेंटी और गाइज अगर हम लोग देखें कि हैदराबाद में कैसी ऑक्यूपेंसी रही तो 93 परसेंट की अभी आते हैं मलयालम में मॉर्निंग 28 परसेंट आफ्टरनून 40 परसेंट इवनिंग 41 परसेंट जबरदस्त गाइज जबरदस्त ऑक्यूपेंसी है अगर हम लोग बात करें कि तमिल की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग 22 परसेंट आफ्टरनून 35 परसेंट और इवनिंग दोस्तों 37 सेवन ठीक ऑक्यूपेंसी है अगर हम लोग यहाँ कनाडा वाले वर्जन की बात करें मॉर्निंग 36 आफ्टरनून 73 थ्री गाइज़ कनाडा वाले वर्जन में हकीकत में तबाही आई है इस मूवी को बहुत अच्छा पसंद किया जा रहा है इवनिंग में सेवेंटी सेवन परसेंट लेकिन गाइस यहाँ पे मुद्दा ये है दिक्कत ये है कि सिर्फ सौ शोज है इसके पास बेंगलुरु में इवन हर जगह हुबली वगैरह इन सब मिला के गाई सिर्फ और सिर्फ आप पचास सो मान सकते हो सभी जगह का इकट्ठा करके तो यहाँ कनाडा वाला वर्जन लगभग डेढ़ सौ दो सो शोज ही है लेकिन आईज मुद्दा यहाँ पर यह है कि हिंदी की ऑक्यूपेंसी कैसी रही भाई साहब यहाँ पे मॉर्निंग में अट्ठाईस की ऑक्यूपेंसी गाइज आफ्टरनून ये फिफ्टी छू लेता है फिफ्टी वन परसेंट की ओक्युपेंसी इवनिंग सिक्सटी छू लेता है सिक्सटी टू परसेंट की ओक्युपेंसी इस तरीके का दोस्तों हिसाब की तबरा मुंबई चौंसठ परसेंट में खेल रहा था दोस्तों आज पाँच सौ शो दिल्ली बासठ परसेंट में दोस्तों खेल रहा था सात सौ सत्रह शोज पुणे पचास परसेंट में दोस्तों खेल रहा था दो सौ अड़तालीस शोज बेंगलुरु एटी फोर परसेंट की ओक्युपेंसी एटी सेवन ऑक्यूपेंसी एटी फोर शोज हैदराबाद नाइनटी नाइन परसेंट हाउसफुल हालांकि सो जो शोज चल रहे हैं वो सिर्फ सोलह हैं कोलकाता सेवेंटी परसेंट ओ भाई पहली बार दो सौ सत्तर यहाँ पे देखने को मिला लगभग वन थर्टी फाइव शोज दोस्तों अहमदाबाद फिफ्टी सेवन परसेंट की चेन्नई एटी फोर ट्वेंटी सूरत फिफ्टी एट परसेंट की ओक्यूपेंसिल टू फोर्टी सेवन शो जयपुर एटी सिक्स परसेंटेंसिल जयपुर में धमाका है दोस्तों सतासी परसेंट की ओक्यूपें एक सौ सत्रह शो मुद्दा यहाँ पर यह होगा कि आज ये कलेक्शन दोस्तों किस किस लैंग्वेज से कितना कर सकती है मैंने सुबह ही दोस्तों आपको कह दिया था कि साठ करोड़ तो तय है इसका साठ करोड़ आना तय है ये मूवी तीन दिनों में दो करोड़ का नेट करने वाली है लेकिन गाइस अगर हम लोग यहाँ पे आंकड़ा देखें कि, कि किस वर्जन से क्या आ सकता है तो सबसे पहले गाइस तेलुगु तेलुगू की दोस्तों कल की कमाई अप्रॉक्सिमेटली दोस्तों चौंतीस करोड़ की रही थी जगह थर्टी फोर पॉइंट टू फाइव करोड़ मुझे लग रहा है कि दोस्तों आज तेलुगू जंप लेगा जंग इस छत्तीस करोड़ दोस्तों यहाँ पे मैं तेलुगु का कहना चाहता हूँ हालांकि एडवांस कम हुई थी लेकिन वॉकिंग ज़्यादा करके आ रहे हैं लोग इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग हिंदी वाला वर्जन का देखें तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों आज ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी है तो शायद बीस करोड़ का आंकड़ा देख सकती है ये बीस करोड़ अपने नज़रों से ये देख सकती है फर्स्ट टाइम तो गाइज बीस करोड़ बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग तमिल तेलुगू नहीं मलयालम और कन्नाडा मिला आपको बताएं तो अराउंड दोस्तों आप लोग यहाँ से भी कितना दोस्तों लगभग सात करोड़ मान सकते हो कि सेवन करोड़ यहाँ से आ सकता है यानी कि गाइज अगर हम लोग इन सब को जोड़ते हैं तो सिक्सटी थ्री करोड़ का नेट दोस्तों बनता है तिरसठ करोड़ नेट कलेक्शन आउटस्टैंडिंग नंबर हमारे पास लगभग आप लोग कह सकते हो कि अभी तक जो आंकड़े हैं गाइज वो हैं वन फोर्टी सेवन करोड़ तो गाइज दो सौ करोड़ ये कर लेगी नेट कलेक्शन शुरुआत के तीन दिनों में दो सौ दस करोड़ एग्जैक्टली लेकिन गाइज अगर हम लोग बात करेंगे तिरसठ करोड़ का ग्रॉस कितना होता है तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग सेवनटी फाइव करोड़ तो मान सकते हो सेवेंटी फाइव करोड़ अभी गाइज़ ओवरसिस का कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्योंकि देखो भाई आ, मेकर्स रिपोर्ट नहीं दे रहे ओवरसिस में क्या आ रहा है और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस इंडिया बीस करोड़ की बात कर रहा है शनिवार को अगर बीस करोड़ आया तो गाइज़ यहाँ पे आज संडे को तो वैसे ही कमाई कम होती है हालांकि क्रिसमस का वीकेंड है हो सकता है कि दोस्तों बीस करोड़ एक बार फिर से आ जाए तो संडे के दिन बीस करोड़ अगर हम मानते हैं तो नाइन्टी फाइव करोड़ एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार हो सकता है मतलब हमारे निगाह हमारे हिसाब से बाकी गाइज़ यहाँ पर हमारे पास टू फोर्टी फोर करोड़ का रिपोर्ट है तो गाइज़ एज आ जो बॉक्स ऑफिस इंडिया या फिर हमारे रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कमाई तीन सौ चालीस करोड़ हो जाएगी जो कि गाइज़ यहाँ पे ठीक लग रहा है देखने में लेकिन कहानी में ट्यूज ये है कि हमारे पास मेकर्स के हिसाब से टू नाइन्टी फाइव करोड़ और कुछ लाख रुपये की कमाई है अगर भी अगर गाइज़ देखो कल इसने 117 करोड़ का कमाया है मेकर्स के हिसाब से वो रिपोर्ट्स कहाँ से आए क्योंकि गाइज़ यहाँ पे मेकर्स को ओवरसीज का नंबर देना चाहिए जो इन्होंने नहीं दिया अब देखो भाई अगर शनिवार को कमाई दो सौ करोड़ हुई है तो मेकर्स दोस्तों सौ एक सौ बीस पच्चीस करोड़ कर तो दूसरा दिन देंगे ही देंगे तो यहाँ पे 100 हम लोग 20 करोड़ मान लेते हैं बहुत कम तो गाइस ये 415 करोड़ शुरुआत के तीन दिनों में करने वाली है मेकर्स 400 करोड़ से ऊपर के गाइस पोस्टर देंगे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्या मेकर्स हमें ओवरसीज इंडिया ग्रॉस जो भी गाइस इनका बनता है वैसे करके कोई पोस्टर देंगे या नहीं नहीं तो गाइज यहाँ पे वो जो ओवरसीज़ का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बना ही रहेगा हालांकि देखो गाइज अगर हम लोग वर्क वर्कस ऑफिस इंडिया की मानेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग सत्तर करोड़ बीस करोड़ ऐड करते हैं तो नब्बे करोड़ इसका शुरुआत का तीन दिन बनेगा क्या कहना है ज़्यादा गाइज़ आपका दिमाग घूम तो नहीं गया भाई कमेंट बॉक्स में बताएं बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही